क्या आप भी बैकफ्लिप में लैंड करना चाहते हैं बट बहुत दिनों के ट्राई करने के बाद भी लैंडिंग नहीं आ रहा है? तो चलो भाई आपको बताते हैं कि आपका बैकफ्लिप में लैंडिंग क्यों नहीं आ रहा है। सबसे पहला कारण, आप फिलहाल अभी अभी बैकफ्लिप में लैंड किए होंगे, मतलब कि आप लोग बैकफ्लिप को प्रैक्टिस करना स्टार्ट ही किए होंगे और बाय चांस एक बार लैंडिंग आ चुका होगा और उसके बाद आप सोचे होंगे कि बैकफ्लिप में मैं तो लैंड कर चुका हूँ, इसके बाद मैं जितना भी बैकफ्लिप करूंगा उसका मतलब लैंडिंग आने ही वाला है मैक्सिमम। तो इसको सोच के आप लोग बैकफ्लिप करते हो और बैकफ्लिप में लैंडिंग नहीं आता है, तो आप लोग को ये जायज से बात है क्योंकि बिगिनर में किसी का मतलब ऐसे ऐसे लैंडिंग आ जाता है दो एक बार और उसके बाद मतलब लैंडिंग नहीं आता है। मैं जब पहले पहले बैकफ्लिप को किया था तो एक बार आप लोग एक वीडियो देख लो कि मेरा कैसे लैंडिंग आया था, तो देख लिया भाई। उसके बाद मैं काफ़ी बार मतलब लैंडिंग नहीं आया तो मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैं प्रैक्टिस करता रहा और जंप को इम्प्रूव किया तो मेरा धीरे धीरे लैंडिंग आने लगा। मतलब कि आप लोग अगर बिगिनर हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करो और इसके बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करो और जिससे आप लोगों का बैकफ्लिप इम्प्रूव होगा। रीज़न नंबर टू बैकफ्लिप में लैंड नहीं होने का कि आप लोगों के अंदर में डर बहुत है। वैसी बात है कि आप लोग बिगिनर में बहुत ज़्यादा डरोगे बैकफ्लिप को करने में और उसके कारण आप लोगों का लैंडिंग नहीं आने वाला है और डर के कारण आप लोग फुल फोर्स के साथ बैकफ्लिप को नहीं कर पाओगे। डर को भगाने के लिए आप लोग जो अंटा खो के बैकफ्लिप करते हो और पीछे फेंक के बैकफ्लिप करते हो उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना है। देखो कैसे करना है। ऐसे करके आप लोग धीरे धीरे बैकफ्लिप को प्रैक्टिस करो और अपना जंप को धीरे धीरे इम्प्रूव करने का कोशिश करो। अब दोस्तों तीसरा रीजन जिसमें आप लोगों को अपना जंप को इम्प्रूव करना है, मतलब कि आप लोग अभी तक डर को मतलब वैसे करके हटा रहे थे बट अभी आप लोगों को जंप को भी बढ़ाना पड़ेगा। वही जो कर रहे थे पिछले स्टेप में उसी तरीके से अभी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जंप लेना है। देखो कैसे करना है। तो उसे जंप लेना है ऐसे करके, और दोस्तों एक और टिप कि आप लोग जब बैकफ्लिप करोगे तो आप लोग जितना हो सके उतना कम बैठने का कोशिश करना, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा बैठोगे बैकफ्लिप में और उसके बाद बैकफ्लिप करोगे तो आप लोग जंप उतना नहीं ले पाओगे, तो आप लोग खड़े होकर ही बैकफ्लिप को ट्राई करना। तो आपको ऐसे धीरे धीरे करके जंप को इम्प्रूव करना है। अगर आप लोग का जंप में उतना मतलब जंप नहीं कर पाते हो तो आप लोग कुछ कुछ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे कि मैं कुछ दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो भाई इसी में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका टक जितना बढ़िया होगा आप उतना जल्दी घूमोगे और उतना जल्दी आप लोग लैंड कर जाओगे। अगर आप लोग बिगिनर में हो तो आप लोग का उतना जंप नहीं है तो आप लोग टक को एकदम टाइट करके पकड़े रहो एकदम लास्ट तक, तो आप लोग लैंड कर जाएंगे। देखो आप लोग कैसे करना है। एकदम लास्ट तक पकड़ के रखना है टक को, लास्ट में थोड़ा सा छोड़ सकते हो। अगर आप लोग बिगिनर हो तो थोड़ा टक करने में पहले पहले प्रॉब्लम हो सकता है बट आप लोग किसी ऊंची जगह से प्रैक्टिस करना, मतलब ऐसे कुछ बस्ता वस्ता रख लेना वहाँ पे और उसके बाद प्रैक्टिस करना और सेफ प्लेस में प्रैक्टिस करना, तो आप लोग का टक धीरे धीरे इम्प्रूव होगा और ट्राई करोगे तो ओबियसली इम्प्रूव होने वाला है। अभी दोस्तों बात करते हैं चौथा रीज़न की जिसमें आप लोगों को हाथों का स्विंग को एकदम फुल लेना है। कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इतना तक ऐसे करके इतना तक लेते हैं और टक कर देते हैं जिसके वजह से वो लोग का बैकफ्लिप उतना नहीं हो पाता है इम्प्रूव, जैसे कि मैं अभी करता था काफ़ी दिन पहले, मतलब अभी अभी तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो आप लोग देखो कि कैसे होता है। वो लोग बहुत जल्दी बाजी में होते हैं कि ये टक मुझे करना है जल्दी से जल्दी, उसके कारण बैकफ्लिप उतना इम्प्रूव नहीं हो पाता है और लैंडिंग नहीं कर पाते हैं काफ़ी लोग। देखो कैसे करना है उसे, ऐसे करके ऐसे की जगह ऐसे करके ऐसा पूरा लेना है और फिर आप लोग को टक करना है। इसमें आप लोग को पहले पहले थोड़ा डर लग सकता है बट इसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आएगा धीरे धीरे। फुल ये लेना है। अभी दोस्तों आता है पांचवा रीज़न जिसमें आपको अपना हिप्स को यूज़ करना है। हिप्स को
आप लोग तो अभी तक जितना भी स्टेप बताया उसको फॉलो कर गए, तो अभी आप लोग देखोगे कि आप लोग का बैक फ्लिप उतना अच्छा लैंडिंग नहीं आएगा जब तक आप लोग हिप्स को नहीं यूज़ करोगे। तो दिखा देता हूँ वो कैसे। आप लोगों को ऐसे करना है और ऐसे स्विंग करते हुए हिप्स को भी ऐसे करना है, ऐसे देखो हिप्स को ऐसे किया तो लैंडिंग हो गया। अब हिप्स को नहीं यूज़ करूँगा, देखना कैसा लैंडिंग आता है। हिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हिप्स मैं पहले यूज़ करता था तो मेरा लैंडिंग बहुत अच्छा आता था, तो हिप्स को आप लोग यूज़ करो। देखो ऐसे करके पुश करने का ट्राई करना धीरे धीरे करके। दोस्तों इसके बाद मैं उतना स्टेप नहीं बता सकता क्योंकि मैं ही उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, जो कि है मतलब पीछे देख के बैक फ्लिप और ऐसे करके ऊपर वाला जंप लेना, स्ट्रेट अप करके जंप लेना। तो उसको तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसको मैं खुद ही अभी फॉलो करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको जब इम्प्रूव कर लूँगा उसके बाद आप लोगों को बता दूँगा, जिससे कि बैक फ्लिप हाइट बहुत ऊपर जाएगा। और दोस्तों लास्ट में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग जब बैक फ्लिप को ऐसे करने जाओगे तो आप लोग दिमाग में पूरा सेट कर लेना कि मैं बैक फ्लिप को एकदम लैंड कर लूँगा। ऐसे मतलब नहीं लेना कि मैं लैंड नहीं कर पाऊँगा, कुछ क्या हो जाएगा, चोट लग जाएगा, ऐसे करके अगर आप लोग बैक फ्लिप करोगे तो ओबियसली आप लोग लैंड नहीं करने वाले हो, और लैंड करोगे भी तो बहुत ख़राब लैंडिंग आएगा। तो आप लोग दिमाग में पूरा फुल कमिटमेंट होकर बैक फ्लिप को करना है, और उसके बाद देखना आप लोगों का बैक फ्लिप धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। और एक और चीज़ कि आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस हो जाने के बाद लास्ट में बैक फ्लिप को इम्प्रूव मत करना, मतलब प्रैक्टिस के मतलब वार्म अप किए और उसके बाद थोड़ा बहुत मिडिल में ही आप लोग इसे प्रैक्टिस करना, जब आप लोगों का एनर्जी बहुत हाई होगा तब प्रैक्टिस करना, क्योंकि लास्ट में एनर्जी उतना हाई नहीं होता है जिसके वजह से आप लोगों का लैंडिंग नहीं आता है। तो एनर्जी जब आप लोगों का मैक्सिमम होगा तभी प्रैक्टिस करना इसे। तो भाई अभी तक मैंने जितना भी स्टेप बताया उसको आप लोग फॉलो करके देखो और उस तरीके से धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करो। और ये मत कहना कि मैं बहुत प्रैक्टिस किया दो दिन तक और नहीं हुआ, तो आप लोग का थोड़ा समय लग सकता है इसको इम्प्रूव करने में, बट आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन आप लोग ज़रूर सीख जाओगे। तो आज का वीडियो बैक फ्लिप का इम्प्रूवमेंट के लिए था। तो जितना भी लोग फॉलो कर रहे हो, फॉलो करके अगर आप लोग सीख जाते हो तो एक कॉमेंट करके बता देना। तो प्रैक्टिस करते रहो। बाय।